फिल्मों में आपने ये डायलॉग तो जरूर सुना होगा, भागने की कोशिश मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कुछ याद आया? जी हाँ, हिंदी फिल्मों में लगभग हर पुलिस वाले की जुबान सुनने को मिल ही जाता था। इस डायलॉग को सुनकर एक जो तस्वीर सामने उभर कर आती है वो है इफ्तिखार। सिने प्रेमी अभिनेता इफ्तिखार को पुराने जमाने की फिल्मों में पुलिस वाले की अनगिनत भूमिकाओं के लिए बखूबी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इफ्तिखार एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे गायक और पेंटर भी थे? क्यों कहा जाता है बेटी को ही पिता इफ्तिखार की मौत का कारण? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, बने रहिए अंत तक। इफ्तिखार खान ने 40 से 90 के दशक तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब सारी फिल्मों में काम किया। वो राजेश खन्ना से लेकर अमिताभ बच्चन तक स्क्रीन शेयर करते नजर आए, लेकिन उन्हें द रियल पुलिस ऑफ बॉलीवुड कहा गया क्योंकि उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का दमदार किरदार निभाया और उनमें जान फूंक दी। क्या आप जानते हैं कि वो एक्टर होने के साथ साथ पेंटर और सिंगर भी थे? एक तरफ वो अपना करियर बना रहे थे तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी में तब तूफान आ गया जब देश का विभाजन हुआ। उनका परिवार पाकिस्तान चला गया, लेकिन उन्होंने भारत में ही रहने का फैसला किया। इस दौरान वो आर्थिक तंगी से भी गुजरे, लेकिन हार नहीं मानी। फिर उनकी किस्मत चमकी और बॉलीवुड में छा गए, लेकिन उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई थी। इफ्तिखार का जन्म 22 फरवरी 1920 को जालंधर में हुआ था। वो चार भाई और एक बहन में सबसे बड़े थे। मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से पेंटिंग में डिप्लोमा किया। यानी इफ्तिखार एक्टर होने के साथ साथ पेंटिंग के कला में भी माहिर थे। क्या आप जानते हैं कि उन्हें गाने का शौक था और वो फेमस सिंगर कुंदन लाल सहगल से प्रभावित थे। यही वजह थी कि वो 20 साल की उम्र में संगीतकार कमल दास गुप्ता के ऑडिशन के लिए कोलकाता गए थे। कमल दास गुप्ता उस समय HMV के लिए काम करते थे। वह इफ्तिखार की पर्सनालिटी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने MP प्रोडक्शंस को एक्टर के लिए उनके नाम की सिफारिश की। इफ्तिखार ने साल 1944 में फिल्म तकरार से करियर की शुरुआत की। यह मूवी 8 फिल्म्स कोलकाता के बैनर तले बनी थी। दूसरी तरफ उनकी पर्सनल जिंदगी में उथल पुथल मची थी। देश के विभाजन के दौरान उनके माता पिता, भाई बहन और कई करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए थे। इफ्तिखार को भारत में रहना पसंद था, लेकिन दंगों ने उन्हें कोलकाता छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। वो बीवी और बेटियों संग बम्बई चले गए। इस दौरान आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन मुंबई में किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। इफ्तिखार को कोलकाता में उनके समय के दौरान एक्टर अशोक कुमार से मिलवाया गया था। यही वजह रही थी कि मुंबई में बॉम्बे टॉकीज फिल्म मुकद्दर में एक किरदार के लिए उनसे संपर्क किया गया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें ज्यादातर पुलिस के किरदार में देखा गया और पसंद भी किया गया। उन्होंने 1940 से 1990 के दशक की शुरुआत तक की अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की। उनके भाई इम्तियाज अहमद PTV पाकिस्तान के एक फेमस TV एक्टर थे। हिंदी फिल्मों के अलावा इफ्तिखार साल 1967 में अमेरिकन TV सीरीज माया में नजर आए थे। इसके अलावा साल 1970 में इंग्लिश लैंग्वेज मूवी बॉम्बे टॉकीज और 1992 में सिटी ऑफ जॉय में दिखे। बात करें अगर उनकी पर्सनल लाइफ की तो इफ्तिखार ने कोलकाता की एक यहूदी महिला हैना जोसेफ से शादी की थी। हैना ने अपने धर्म और नाम बदलकर रेहाना अहमद रखा था। उनकी दो बेटियां थी, सलमा और सईदा। सईदा की 7 फरवरी 1995 को कैंसर से मौत हो गई थी। बेटी की मौत ने इफ्तिखार को झकझोर दिया था। अपने सामने अपनी बेटी को मरता देख उन पर क्या बीती होगी ये एहसास करना भी दर्दनाक है। बेटी के गुजरने के बाद वो बुरी तरह बीमार पड़ गए और अंदर ही अंदर इतने घुट रहे थे कि बेटी की मौत के एक महीने के अंदर ही 4 मार्च को इफ्तिखार ने भी 71 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था। कैसा लगा आपको इफ्तिखार और उनकी बड़ी बेटी के बॉन्डिंग के बारे में जानकर, मुझे जरूर बताइएगा।
वैसे इफ्तखार की कौन सी मूवी या किरदार आपका पसंदीदा है ये बताना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी जल्द। धन्यवाद।